पाजी, जब किसी की बीवी साथ हो ना तो ऐसी सलाहें नहीं देनी चाहिए। और बाइसिकल लवर्स के लिए एक साइकिल का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रही है। जो जानते हैं सलमान भाई को वो कभी कभी कह देते हैं। और आप भाई, ये है म्यूनिक की फेमस कैथेड्रल। जर्मनी भी अपनी बियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया इंसबर्ग में आप जब आते हैं तो दो तीन चीज़ें बहुत फेमस हैं यहां पर। एक है स्वास्की का शोरूम, स्वास्की जो क्रिस्टल वर्ल्ड है वो लेकिन यहां से 20 किलोमीटर दूर है, शायद मैंने पहले भी बताया हूं। लेकिन बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच मरिया प्लाट पर ये है यहाँ पर स्वास्की का स्टोर। और ये है बीवी मेरी जो मेरे को लेके आई है स्वास्की स्टोर पर। और ये हमारे भूपिंदर पाजी हैं जो रहते हैं नीदरलैंड में। उन्होंने भी कहा था कि वो विज़िट जरूर कर लेना और कुछ ना कुछ ले लेना। वो मैसेज इन्होंने सुन लिया। आधे घंटे हमारी यहाँ से ट्रेन है जाने के लिए, मतलब हमें निकलना है और हमें यहाँ आना पड़ा ये स्वास्की स्टोर पर कुछ ना कुछ लेने के नाम का। ये ले लो आप। स्वास्की जो कंपनी है वो भी ऑस्ट्रिया की कंपनी है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत फेमस है स्वास्की का जो शोरूम और स्वास्की का जो म्यूजियम है वो। जी, जब किसी की बीवी साथ हो ना तो ऐसी सलाहें नहीं देनी चाहिए। ये बिल देख लो, आपके नाम का फटेगा अब जो भी आ रहा है। भूपेंद्र पाजी, 274 यूरो आपके नाम। मैडम जी, हाँ। अभी भी रह गया बताओ भाई, और तो गाना पेट भर है कुछ। चलो भाग लो, बच्चे वेट कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर था टैक्स रिफंड भी, तो 11.5% टैक्स रिफंड मिल जाएगा जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे। अब वो कई बार तो टाइम होता है ले लिया जाता है, कई बार टाइम नहीं होता फ्लाइट का तो नहीं ले पाते हैं ना, कि जल्दी में होते हैं कई बार। तो अब हम जाने वाले हैं यहाँ से मिलान, और अगेन बार बार इस रोड पे आना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अपार्टमेंट यहाँ से बहुत पास है। और अब हम इंसबर्ग से जाने वाले हैं म्यूनिक, तो लेंगे यहाँ से म्यूनिक की ट्रेन, तो चलते हैं म्यूनिक। हम पहुँच गए हैं इंसबर्ग मेन स्टेशन पर और हमारी ट्रेन छूट चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि हमें एक चीज़ पता लगी है, ये है QBB लाउंज। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का पास है यूरो रेल का तो आप यहाँ पर आके बैठ सकते हैं आराम से, फ्री ड्रिंक्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन तो हमारी छुट्टी, लेकिन ये हम सबके काम आएगा। जो भी लोग आप में से यूरो रेल का पास लेते हैं, फर्स्ट क्लास का पास लेते हैं, तो वो ये लाउंजेस यूज़ कर सकते हैं। और ये शायद हर बड़े स्टेशन पर होगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया में। तो ये लिस्ट है भाई, कौन कौन लाउंज को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें है भाई यूरो रेल पास फर्स्ट क्लास, इंटर रेल पास फर्स्ट क्लास, यूरोपियन ईस्ट पास फर्स्ट क्लास। तो एक ये भी अच्छी बात हुई कि ये चीज़ पता लग गई। हम लोग एक महीना लगभग ट्रैवल करने वाले हैं और हम काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर भी रहे हैं, 20-25 दिन हमें हो गए यहाँ पर ट्रैवल करते करते, और ये हमें नहीं पता था लाउंज वाला सीन। और आज जब हमारी ट्रेन छूटी है तो हमें पता लग गया है। हमारे साथ है हमारा प्यारा मन्नी, और यहाँ पर भाई आप ये सब कुछ खा सकते हैं। और ये ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी, बिस्किट्स, टी। एक और आपको बात बताता हूँ, कभी आप कॉफ़ी मशीन पे खड़े होते हैं और आपके सामने रखे हों कप्स बड़े बड़े, तो और आपको ना पता लग रहा हो कि कौन सा कप लेना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये छोटा एक्सप्रेसो का तो छोटा कप लेना है, ये बड़ा है तो बड़ा, ये मतलब मीडियम है, और जहाँ पे ग्लास बना हुआ है ना ये, वहाँ पे आपको लेना है ये बड़ा वाला कप, तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इस बार हम टाइम से ही आगे बैठ गए हैं स्टेशन के ऊपर,
और अगर आपके पास कभी कोई पास वगैरह नहीं है और आपकी ट्रेन मिस हो जाती है, आपने टिकट्स ले रखी हैं, तो आप जाके काउंटर पे बता सकते हैं उनको कि हमने टिकट ली थी और हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो 99% ये लोग चेंज कर देते हैं टिकट को, 100% कर देते हैं, लेकिन आपकी जो सीट रिज़र्व होगी वो शायद आपको नहीं मिलेगी, सीट जो भी आपकी रिज़र्वेशन है। अगर हो सका तो वो अगेन रिज़र्व कर देते हैं या कुछ रिफ़ंड भी कर देते हैं, तो वो ऑप्शन हो सकता है। अगर कभी भी ट्रेन वगैरह निकल जाए तो घबराने की बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं भाई जर्मनी म्यूनिक, और जर्मनी म्यूनिक यहाँ से है इंसबर्ग से लगभग 150 किलोमीटर दूर, और ट्रेन हमें पहुँचाएगी लगभग 1.25 घंटे में। हमारी ट्रेन है 12:40 की, और कभी आप म्यूनिक आ रहे हैं तो जर्मन में म्यूनिक को मुंकेन बोला जाता है, और HBF का मतलब है मेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन। जहाँ भी आप यूरोप में HBF लिखा देखें, हबन ऑफ होता है, उसका मतलब होता है मेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन। और बाइसिकल लवर्स के लिए एक साइकिल का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रही है। इन टायर्स को क्या कहते हैं पता नहीं भाई, लेकिन खूबसूरत है। इन भैया की है और भाई भी हैंडसम है। थैंक यू। और अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं तो आपको एक ये पार्क सा दिखेगा, ये है स्पोर्ट्स पार्क, ओलंपिक पार्क यहाँ पर लोग कहते हैं। यहाँ पे 3 या 4 ओलंपिक गेम भी हुई हैं, पर जो भी यहाँ पर होता होगा स्की वगैरह वो हुई है। तो ये स्टेशन से आपको दिखेगा। ट्रेन आ गई है हमारी, इंसबर्ग से लगभग 1:50 बाद हम उतर गए हैं म्यूनिक जर्मनी के सेंट्रल स्टेशन पर, हबन ऑफ भी जिसे कहते हैं। और भाई काफ़ी भीड़ भाड़ है स्टेशन पे, और ये है जर्मनी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है स्टारबक्स, मुझे लगता है ज़बरदस्ती का महंगा सोता है ये। इंडिया में भी कई बार स्टारबक्स वगैरह पे मीटिंग के लिए बैठ जाते ना, उसके बाद ऐसा लगता है यार है क्या 500-600 रुपये की कॉफ़ी, कुछ मतलब अगर कॉफ़ी के शौकीन नहीं है तो आपको भी महंगा ही लगेगा वो। और ये है भाई नज़ारा म्यूनिक स्टेशन की साउथ साइड एंट्री और एग्जिट का। तो भाई इस बार हमने जो रूम है वो बुक कराया आर्ट होटल म्यूनिक में, सिटी सेंटर के पास है, मेन ट्रेन स्टेशन के पास है, सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर, इसलिए हमने कराया था। और हम रुकने वाले हैं यहाँ एक रात के लिए। हमें यहाँ का जो रूम रेंट पड़ा है वो पड़ा है 198 यूरो, लगभग 18,000 भारतीय रुपये। ये वेटिंग रूम और ये रिसेप्शन है भाई। जर्मनी का कल्चर है, आपको बार वगैरह वाइन वगैरह बहुत मिलेगी, बियर भी बहुत फेमस है जर्मनी में। चलो भाई ये भाई आर्ट होटल है इसका नाम। गिनते जा रहे ये लोग। चलो भाई और ये भाई एक रूम जो हमारे पास है, और ये वॉशरूम टॉयलेट शावर। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से, और शाम के बज चुके हैं 4:45। हम निकले हैं अपने होटल से, आर्ट होटल हमने बुक किया था। इस वक्त हम हैं म्यूनिक जर्मनी में, और हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन को घूमने। तो भाई मन्नी भाई हमें ले जा रहा है, मन्नी भाई प्रो हो चुका है मैप देखने में, और मन्नी हमें लेके जा रहा है ओल्ड टाउन की तरफ। भाई गाड़ियां देख लो, मिनी कूपर, ऑडी, पीछे खड़ी है मर्सिडीज, सामने BMW की दोनों कारें खड़ी हैं। साइकिल्स बहुत चलाते हैं भाई यहाँ यूरोप में ना लोग, और यार साइकिल का देखो इन्होंने अलग ट्रैक बना रखा है, इस पर चलना भी ठीक नहीं रहता, बहुत तेज़ साइकिल चलाते हैं इस पर लोग। और अगर आपको रेंट अ कार करनी है तो आप यहाँ पर रेंट राइड रिपीट टेस्ला भी ले सकते हैं। तो भाई अगेन ये हबन ऑफ मेन स्टेशन आया है हमारे, और अगर आपको बिल्कुल सामने रहना है तो आप रह सकते हैं ली मेरिडियन में, जो कि बिल्कुल फ्रंट ऑफ साउथ गेट ऑफ स्टेशन है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। 24 आवर तक स्टोर भी खुले हैं भाई कुछ। भाई गफार मार्केट पहुँच गए हम, पुराने फ़ोन मिल रहे हैं भाई म्यूनिक जर्मनी स्टेशन के सामने, सेम दुकान पे सोना भी मिल रहा है, पता नहीं सोना है क्या है। मतलब आप लेफ्ट जाएंगे तो ये रोड आ जाएगा, और ये रोड सीधा जाएगा चर्च को, कैथेड्रल को, बेसिलिका को, जो भी यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो। तो ये खूबसूरत नज़ारा म्यूनिक का आप लोगों के लिए। एक गेट है बहुत फेमस सा, यही जा रहा है शायद ओल्ड टाउन की तरफ, और जो इनकी फेमस चर्च है उसकी तरफ।
भाई घूमते फिरते हम पहुँचे हैं एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में और बहुत भूख लगी है। हम आज ट्राई करेंगे अफ़गानी कुजीन। सो दिस इज़ अफ़गानी बॉय, व्हाट इज़ योर नेम ब्रो? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई और हैंडसम अफ़गानी ऑलवेज। और ये खूबसूरत सा इनका एम्बियंस। वाह भाई, तो हमारा फूड आ गया है, खूबसूरत स्वादिष्ट अफ़गानिस्तानी फूड। और भाई ने मतलब इस ट्रिप पे पहली बार वो कमेंट मिला, देखते ही बोले, कह रहे सेम सेम, किसके जैसा? हाउ आई एम लुकिंग सलमान खान। थैंक यू भाई, पहली बार इस ट्रिप पे मिला यार। जो जानते हैं सलमान भाई को वो कभी कभी कह देते हैं, और आपके बहुत कमेंट आते हैं, थैंक यू भाई। अगर आपको भी जाना हो निगिन अफ़गानिस्तान रेस्टोरेंट, यहाँ पर है सामने है ये बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत सी। और यार अगर आप सुपर हीरोज़ के फ़ैन हैं ना, तो ये भाई एक शॉप है आपके लिए, जहाँ पर आप टी शर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। देखो कितने तरह का माल है, ये सारा हैरी पॉटर सेक्शन। तो भाई बेहतरीन कलेक्शन थी, जो लोग सुपर हीरोज़ के फैन हैं और इन सीरीज़ के फैन हैं। पहली बार भाई यूरोप ट्रिप पे इतनी भीड़ देखी हमने। भाई यूरोप में ना थोड़ा सा शाम को घूमने का ही मज़ा है, तब आपको क्राउड अच्छा दिखता है और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यूरोप में आपको जगह जगह ऐसी स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी जो कि फेमस टूरिस्ट स्ट्रीट्स हैं उनके ऊपर। भाई मम्मी का दोस्त है ये। भाई ये है म्यूनिक की फेमस कैथेड्रल, और कभी आप लोगों को इस स्ट्रीट पे आना हो तो इस स्ट्रीट का नाम है कॉफिंगरस्ट्रॉस। लो भाई आ गई शामत, इस बार मैडम घुसी हैं अंदर, सुबह सोरोस्की में घुसे थे। अंदर जाने में घुस है। भाई ये अपने दादाजी का पोता है, इसके फाइनेंसर है इसके दादाजी, हर चीज पे उंगली रख देता है। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं। तो भाई ये है मारियन प्लेस एरिया, और ये हमेशा आपने देखा होगा अगर म्यूनिक जर्मनी की बात आएगी तो ये जगह आपको हमेशा दिखेगी। और ये इस जगह का सेंटर स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर बहुत बार कंसर्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेट्रो द्वारा इस जगह आना है तो ये जगह है म्यूनिक का मारियन प्लेट अंडरग्राउंड स्टेशन पर। अब भाई कुछ मार्केट तो हो गई थी बंद, लेकिन एक जगह खुली हुई है जहाँ पर है भाई बहुत शानदार खाना पीना मिल रहा है, जहाँ पर भाई लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं, और बहुत सारे आप देखोगे तो भीड़ इकट्ठी है यहाँ। और यार ये एक बियर शॉप जहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है। जर्मनी भी अपनी बियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई भाइयों को लग गई फिर भूख ऐसी जगह को देख के। भाई ने क्या लिया है? चिकन एंड चिप्स। और ये भाई वो बेहतरीन शॉप जहाँ से हमने लिया ये सब सामान, और ये एक पड़ा है 12 यूरो का, और जब भी आप आएँ तो कैश लेके आना, कार्ड यहाँ नहीं चल रहा। और ऐसे भीड़ भड़ाके में ना अक्सर खड़े होके ही खाना पड़ता है भाई। भाई फिर से खा पी लिया और अब हो गई है तृप्ति, और घूम फिर भी लिए हैं म्यूनिक में, और अब चलेंगे होटल। और मन्नी सबको कर देते हैं बाय 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 बाय। तो हमको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।